हेलो दोस्तों, लाडू की रसोई में आपका स्वागत है। दोस्तों, गर्मी के मौसम में हमें ऐसे ड्रिंक्स पीने चाहिए जो हमें ठंडक देने के साथ ही हेल्दी भी हो। तो इसी सीक्वेंस में मैं बनाने जा रही हूँ फालसे का शरबत। तो इसके लिए मुझे चाहिए 250 ग्राम फालसे और लगभग 400 ग्राम मैंने शक्कर ली है। तो सबसे पहले मैं इन फालसों को मिक्सी के जार में करके इसको क्रश करूंगी। दोस्तों देखिए, ये मैंने इसको मिक्सी में चला लिया था। अभी इस तरह से ये गाढ़ा गाढ़ा ये पल्प बन गया। इसको मुझे छानना है, छन्नी में मैं इसको छान लूंगी। ये देखिए, इस तरह से सारा ले लेंगे इसमें। अब इसका जो है गूदा, इस तरह से हम निकालेंगे। जितना ज्यादा हो सकेगा इसको हमें छानना है। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। अभी इसको हम एक बार छान के फिर एक बार हमें कपड़े में भी छानना होगा। बिल्कुल महीन जो इसका ये गूदा है, जो इस तरह से दिख रहा है ना, इसमें भी थोड़ा सा और महीन करेंगे इसको कपड़े में छान के। हाँ दोस्तों देखिए, इस तरह से ये गाढ़ा गाढ़ा इसका पल्प निकल रहा है। इसे अभी मुझे और छानना है। अभी इसमें काफी निकलेगा, मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको और हाथ से दबा दबा के निकालूंगी। ये देखिए, ये बिल्कुल इसमें जब फाइबर बस रह जाएगा तब इसको हम छोड़ देंगे। अभी इसमें काफी है, ये देखिए। और दोस्तों, फालसे गर्मी के मौसम में ही, खासतौर से मई के एंड में ही मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ये ऐसा फल है कि 10-15 दिनों में ही मार्केट में फिनिश भी हो जाता है। ये बहुत ही नाजुक फल है। इसे खरीदने के तुरंत बाद ही शरबत बना लेना चाहिए, वरना ये गल जाता है बहुत जल्दी। मैंने भी इसको लिया था तो 1 घंटे के अंदर ही मैं ये बना रही हूँ, वरना ये एकदम काला पड़ जाता, बहुत जल्दी गलता है ये। लेकिन बनने के बाद बहुत ही टेस्टी और लाजवाब होता है। देखिए हो गया, ये सारा पल्प मैंने निकाल लिया है। अब मैं इसको एक बार कपड़े से छानूंगी, लेकिन उससे पहले मैं इसको मिक्सी में चला लूंगी। इसको मुझे मिक्सी में चलाना है फिर से एक बार। हाँ दोस्तों देखिए, ये एकदम और महीन मैंने कर लिया है। अब इसको मैं कपड़े की सहायता से इसको मैं छानूंगी। इसको और मुझे महीन करना है। ये देखिए इस तरह से, बिल्कुल पतला कपड़ा लीजिएगा आप, महीन साफ कपड़ा, और इस तरह से मुझे इसको निकालना है। देखिए कितना अच्छा कलर आया इसका। ये देखिए इस तरह से बहुत ही स्वादिष्ट बनता है ये। इसका फालसे का सारा रस जो है ये बाहर आ गया। किस तरह से कितना सुंदर कलर आया है। इसको मैं अच्छी तरह से निचोड़ लूंगी। हाँ तो दोस्तों देखिए, इसमें मैंने मिक्सी में वापस डाल के इसका रस और ये चीनी पूरी इसमें मैंने डाल दी है। ये देखिए, अब मैं इसको चीनी गलने तक फिर से इसको मैं मिक्सी में चलाऊंगी। तो दोस्तों देखिए, ये तैयार है हमारा शरबत। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। और अब मैं सबसे पहले इसको सर्व करते समय थोड़ी सी आइस डालूंगी ग्लासेस में। ये देखिए, अब मैं इसको आप चाहें तो जार में भर के या किसी जग में भर के रख सकते हैं। मैं फिलहाल ऐसे ही सर्व कर रही हूँ। ये देखिए, ये अभी भी बहुत गाढ़ा है तो इसमें हमें थोड़ा सा ठंडा पानी मिलाना पड़ेगा इस तरह से। और थोड़ा सा मैं ठंडा पानी मिला दे रही हूँ इसमें। ये देखिए, और अब मैं इसमें डालती हूँ थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, और अब इसको मैं मिला दूंगी।
तो दोस्तों ये तैयार है हमारा फालसे का शरबत, जो बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी है। आप भी इसको पीजिए, अपने मेहमानों को पिलाइए। और यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरा ये वीडियो और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।